हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। आज जो हम इम्पोर्टेंट टर्म सीखने जा रहे हैं उसका नाम है असेट। क्या नाम है उसका? असेट। असेट मीन्स होता है प्रॉपर्टी। असेट मीन्स क्या होता है? प्रॉपर्टी। गाइस, ये प्रॉपर्टी वर्ड हम लोग ने पहले से भी बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन अकाउंट्स टर्म में प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं असेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? असेट। नाउ लेकिन यहाँ पे गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ वो पर्सनल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? अकाउंट्स। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात करूंगा? बिजनेस की प्रॉपर्टी की बात करूंगा, मीन्स बिजनेस के असेट की बात करूंगा। गाइस, यहाँ पे असेट में भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स असेट एंड सेकेंड होता है करेंट असेट। फिक्स असेट में भी दो टाइप होते हैं हमारे। फर्स्ट टैंजिबल असेट, सेकेंड इनटैंजिबल असेट्स। गाइस, यहां पे तो मैंने आपको बता दिया असेट के दो टाइप होते हैं, फिक्स असेट एंड करंट असेट। फिक्स असेट ऐसा असेट जो एक साल से ज्यादा चले, मतलब आने वाले कई साल चलेंगे। करंट असेट ऐसे कोई भी असेट जो विद इन अ ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, देन फिक्स असेट में भी दो टाइप मैंने आपको बताया, टैंजिबल असेट एंड इनटैंजिबल असेट। यहाँ पे मैं असेट्स लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे असेट्स लिखने वाला हूँ और यहाँ पे इनटैंजिबल असेट्स। सबसे पहले टैंजिबल असेट की बात करूं, जो ऐसा असेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो दिखता है और बिकता भी है, ऐसे असेट को हम लोग बोलते हैं टैंजिबल असेट। उसमें से सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लैंड। ओके, लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पे जो भी असेट की बात कर रहा हूँ, किस कौन से असेट की बात कर रहा हूँ, बिजनेस या पर्सनल, बट ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा हूँ? बिजनेस की। सबसे पहले मैंने आपको बोला लैंड, ये भी हमारे किसकी असेट होगी? बिजनेस की असेट होगी। सेकेंड लिख रहा हूं मैं बिल्डिंग। ओके, तो गाइस पता है बिजनेस करने के लिए हम लोग बहुत सारी बिल्डिंग परचेस कर लेते हैं, या बिल्डर जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या रहता है, वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बेचते हैं, तो बिल्डिंग उनके लिए वो क्या हो जाता है? असेट होता है कि नहीं? फिर उसके बाद आपका आता है प्लांट एंड मशीनरी। क्या आता है? प्लांट एंड मशीनरी। गाइस, हम लोगों ने पहले से भी बहुत बार मूवी में सुना रहेगा कि प्लांट, हमारे वहां पे बहुत बड़ी बड़ी प्लांट लगी हुई है कि नहीं? प्लांट मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई है, और प्लस मशीनरी। मशीनरी मतलब वहां पे बहुत सारी मशीनरी इंस्टॉल किए रहेंगे, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए रहेंगे, लूज टूल्स, ये सब हम उसको क्या बोलते हैं? प्लांट एंड मशीनरी। ये सब जो असेट है वो हमारा विद इन वन ईयर में कंप्लीट नहीं होते ना, खत्म होते, या आने वाले कई साल तक चलते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फिक्स टैंजिबल असेट, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। लैंड, जमीन को हम लोग छू सकते हैं, यस। बिल्डिंग को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? फिक्स एंड टैंजिबल असेट्स। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं फर्नीचर। गाइस, ये फर्नीचर क्या होता है? आपको भी पता है कि अगर हम लोग ऑफिस ओपन करते हैं, ऑफिस में हम बहुत सारे टेबल्स बनाते हैं, है कि नहीं? अगर मेरा अपना क्लासेस है शर्मा एकेडमी, तो शर्मा एकेडमी के भी बहुत सारे क्या बेंचेस है कि नहीं, और टेबल है, जिसके वजह से वो जो अगर मैं बिजनेस में काउंट करूं, तो उस बिजनेस को मैं अगर वो असेट काउंट करूंगा, तो असेट में भी किस में चला जाएगा मेरा? वो सब मेरे लिए क्या है? फर्नीचर है। तो फर्नीचर, अभी जो बेंचेस है तो मैं एक बार यूज करूंगा या बार बार यूज करूंगा, मतलब हर साल आने वाले टाइम में यूज करूंगा? ऐसा तो नहीं ना कि मैंने इस साल यूज किया, अच्छा भाई अभी नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर नया फर्नीचर में बनाऊ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना? नहीं, तो आने वाले कई साल तक मैं उसको यूज करूंगा, जिसकी वजह से भी मेरा ये क्या होता है? फिक्स टैंजिबल असेट्स। क्या होता है? फिक्स टैंजिबल असेट। ओके, अभी नेक्स्ट ले लेता हूं। ऐसा देखा जाए तो टैंजिबल असेट बहुत सारे होते हैं, जस्ट आपको सिर्फ असेट समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे चार एग्जांपल लिया हूं। और अभी चलते हैं इनटैंजिबल असेट पे। इनटैंजिबल असेट में सबसे पहले ले रहा हूं गुडविल। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा ही गया है। ओके सर, सबसे पहले व्हाट मींस गुडविल? गुडविल मींस होता है रेप्यूटेशन। गुडविल मींस क्या होता है? रेप्यूटेशन। सर ये क्या, गुडविल मींस रेप्यूटेशन, इसका क्या मतलब? ये अपना एक इनटैंजिबल असेट है। सर ऐसा कैसा इनटैंजिबल असेट? अभी जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे कि आईफोन हो गया। आईफोन का अगर हम मोबाइल लेने जाए, अगर महंगे से महंगा मोबाइल सपोज कितने का आता है? 150,000। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं करके, एंड सेकेंड मैं आपको बोल रहा हूं सैमसंग का। ओके, दोनों मोबाइल से हमारी क्या होती है? बातें होती है, यस या नो?
है कि नहीं। तो अब सैमसंग का प्राइस में सब महंगा कॉस्टली देखा जाए तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ 90,000, है कि नहीं। तो गाइस एक बात बताओ, आईफोन से भी हम बात कर सकते हैं, सैमसंग से भी हम बात कर सकते हैं, हालांकि आईफोन में फीचर्स थोड़े अलग होते हैं, सैमसंग के फीचर्स क्या होते हैं अलग होते हैं, लेकिन दोनों में आप देखा जाए तो कॉस्टली कौन सा है? आईफोन। तो आईफोन इतना कॉस्टली क्यों है? क्योंकि उसका मार्केट में रेपुटेशन मीन्स गुडविल ज्यादा है, जिसके वजह से उसका प्राइस क्या होता है हाई। उस रेपुटेशन को हम लोग अकाउंट स्टॉक में क्या बोलते हैं? गुडविल। तो हर ऐसा कोई भी चीज जैसे स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो उसका बोलते हैं अरे उसका गुडविल अच्छा, उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है? प्राइस हाई रहता है कि नहीं। आपको जैसे कि एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं, कि अगर हम लोग कोई भी प्लॉट या कोई भी फ्लैट खरीदने जाते हैं, अगर हम विरार साइड, वसई साइड, नायगांव साइड खरीदे तो उसका प्राइस डिफरेंट रहेगा, और वही प्लॉट उतनी ही जगह अगर हम लोग चर्चगेट साइड, बॉम्बे साइड खरीदने जाए तो उसका प्राइस क्या होता है? अलग होता है। बिकॉज एरिया वाइज भी गुडविल क्या होता है? डिपेंड करता है। कंपनी वाइज भी गुडविल क्या करता है? डिपेंड करता है कि नहीं। इन शॉर्ट गुडविल मीन्स क्या होता है? रेप्यूटेशन। ओके, जिसका जितना अच्छा गुडविल रहेगा उसका प्राइस उतना ज्यादा रहता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, पैटेंट्स। What do you mean by the patents? Guys, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने की बात है। पैटर्न्स मतलब होता क्या है करके। पैटर्न्स में जस्ट आपको एक और एग्जांपल देता हूं यहां पर। आपने थम्सअप पिया रहेगा, यस और नो, और स्प्राइट भी पिया रहेगा। गाइस दोनों का टेस्ट क्या सेम होता है? बट ऑब्वियसली नहीं, दोनों का टेस्ट क्या अलग अलग है। मीन्स दोनों का जो बनाने का पैटर्न जो रहेगा दोनों अलग अलग होगा, और उसका जो फॉर्मूला यूज किया रहेगा हम लोगों ने, जो इंटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देता हमको, यस है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पैटर्न, जो हमारा कौन सा है? इंटेंजिबल असेट। गाइस इंटेंजिबल असेट ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसका वैल्यू मार्केट में रहता है। टेंजिबल असेट जिसको हम टच कर सकते, देख सकते, फील कर सकते, इंटेंजिबल असेट जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या कवर किया? गुडविल। सेकेंड क्या कवर किया मैंने? पैटेंट्स। पैटेंट्स मीन्स क्या होता है? इन शॉर्ट बोला जाए तो एक फॉर्मूला है कि नहीं। अभी थर्ड में आपको सिखाने जा रहा हूं, उसका नाम है कॉपीराइट्स। गाइस हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी हम लोग चीज अपने नाम से करते हैं करके, तो उसका हमको लीगली उसका क्या करवाना पड़ता है? कॉपीराइट्स करवाना पड़ता है। जैसे कि पतंजलि ने बोला था कि मैंने अभी ये मेडिसिन निकाला COVID-19 का, तो जस्ट फर्स्ट जब इंटरव्यू प्रेस मीटिंग हो रहा था तभी उसने बोला कि हम इसको अभी क्या करवाएंगे? कॉपीराइट्स करवाएंगे, है कि नहीं। जैसे कि मेरा एग्जांपल देखो, मेरे क्लासेस का, हमारे क्लासेस का शर्मा एकेडमी, तो शर्मा एकेडमी का मैंने क्या करवाया रखा है? कॉपीराइट्स करवा रखा है। कॉपीराइट्स मींस ये क्लासेस और कोई ओपन इस नाम से कोई ओपन कर नहीं सकता करके। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपीराइट्स। ये भी जो मेरा असेट है, जैसे कि कॉपीराइट, सर ऐसा कैसा अभी कोई ओपन नहीं कर सकता? अब मैंने क्या किया है, उस जो नाम को है, जो शर्मा एकेडमी जो यहाँ पे नाम दिया है, इसको मैंने करवा के रखा है कॉपीराइट्स। मींस ये मेरा ही असेट है, ये नाम से अगर कोई दूसरा क्लास खोलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? ऑब्जेक्शन ले सकता हूं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपीराइट्स। ओके, तो यहां पे मैंने तीन चीज कवर किया। इंटेंजिबल असेट में फर्स्ट क्या किया? गुडविल। सेकंड क्या किया? पैटेंट्स। थर्ड क्या कवर किया मैंने? कॉपीराइट्स। एक और ले लेता हूं आपको समझने के लिए, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जिसके नाम से हम पहचान जाते हैं, ट्रेडमार्क से पहचान जाते हैं कि ये किसका असेट है करके। जस्ट एग्जांपल मैं ऐसा ट्रेडमार्क के बोल रहा हूँ, ये किसका साइन है, तो आप लोग डायरेक्ट ही बोलोगे सर नाइकी, है कि नहीं। और जैसे हम लोग आईफोन का, आईफोन के पीछे देखोगे जो एप्पल है उसको एक हम लोग ने कट किया हुआ, एक चाहो मारो है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जैसे ही लोगो देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते थे? ये कौन सा प्रोडक्ट है? आईफोन का, है कि नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। जस्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखो, शर्मा एकेडमी का लोगो क्या है? ये बुक है कि नहीं। ये बुक को हम लोग ने क्या किया? ओपन किया, पेजेस ओपन है। ये जो मेरा ट्रेडमार्क है वो किसका है? शर्मा एकेडमी का है। तो जैसे मैंने आपको नाइकी का बताया, आईफोन का बताया, अलग अलग प्रोडक्ट अपने अपना क्या करता है? अपना अपना ट्रेडमार्क रखता है कि नहीं। इस सब को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल असेट। सर हमको तो दिख रहा है ना, ट्रेडमार्क दिख रहा है ना, गाइस ये ट्रेडमार्क को मैं ऐसा टच कर रहा हूँ कि मैं किसको टच कर रहा हूँ? बुक को टच कर रहा हूँ, है कि नहीं। जिसके वजह से ट्रेडमार्क हमको दिख रहा है लेकिन हम उसको टच कर सकते क्या? फील कर सकते लेकिन टच नहीं कर सकते। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल असेट। क्या बोलते हैं हम उसको? इनटैंजिबल। गाइस तो असेट में भी हम लोग ने अभी तक कौन सा असेट कवर किया? फिक्स असेट। फिक्स असेट में भी दो टाइप होते हैं, टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट। टैंजिबल असेट जिसको हम लोग टच कर सकते, फील कर सकते, इनटैंजिबल असेट
जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। टेंजिबल असेट जो दिखता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। और इनटेंजिबल असेट में आपका गुडविल हो गया, पैटर्न्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, आगे चल के सॉफ्टवेयर भी है, तो भी हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल असेट होते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा पार्ट, करंट असेट। करंट असेट जो विद इन आज है, कल नहीं है, कि नहीं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कैश। क्या बता रहा हूं, कैश। कैश बोलते ना, पैसा हाथ की मेल होती, आज है कल नहीं, कल किसी और के पास है, कि नहीं। तो कैश क्या होता है, विद इन ईयर आता है जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा कौन सा असेट होता है, करंट असेट होता है। ओके, और उसमें से एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डेटर्स, जिससे हमको क्या करना रहता, पैसा लेना रहता हमको। हम जो बिजनेस सॉल्व करते हैं, हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें डेटर्स जो दिया रहता है, हम डेटर से विद इन वन ईयर हम लोग क्या करते हैं, पैसा रिकवर कर लेते हैं। ओके, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट असेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, करंट असेट, जिससे हमको पैसा लेना रहता है। अगर सर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है, अगर डेटर ने विद इन वन ईयर पैसा नहीं दिया और डेटर भाग गया, तो सर डेटर का क्या करेंगे, उस तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बैड डेब्ट्स। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर बैड डेब्ट्स होता क्या है करके। ओके, वो लोग ने कहीं से सीख कर आए रहेंगे, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। मतलब जिससे अपने को पैसा लेना रहता है, वो बंदा कहीं भाग गया, कहीं गुम हो गया, या उसकी डेथ हो गई, है कि नहीं। ऐसे बंदे को, ऐसा जो हमारा लॉस होगा, उस लॉस को अकाउंट टर्म में क्या बोलेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स। ओके, तो वापस से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असेट में कितने टाइप होते हैं, दो, फिक्स असेट, करंट असेट। फिक्स असेट वन ईयर से ज्यादा चलता है, करंट असेट विद इन अ वन ईयर, मींस लेस देन वन ईयर। उसमें फिक्स असेट में भी दो टाइप होते हैं, टैंजिबल असेट एंड इनटैंजिबल असेट। टैंजिबल असेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारे और असेट है जो आगे हम चल के पढ़ने वाले हैं करके। इनटैंजिबल असेट में बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क। और बैड डेब्ट्स का भी एक कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है हमारा, जिससे हमारे डेटर से पैसा नहीं मिला तो हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। आगे हम देखने जा रहे सॉल्वेंट। गाइस, व्हाट डू यू मीन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मींस क्या होता है, कोई भी ऐसा बिजनेस है जो सॉल्वेंट रहता है, उसकी बिजनेस में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब क्या, उसके पास असेट ज्यादा है, मोर देन लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी से ज्यादा क्या है अपना, असेट है, असेट अपने पास ज्यादा है और लाइबिलिटी क्या है, कम है। मीन्स क्या बोलने का मतलब क्या है, जिसके बिजनेस की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और उसका खर्चा मतलब देना कम है, तो ऐसे बिजनेस में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट बिजनेस या सॉल्वेंट पर्सन। अभी जैसे एग्जाम्पल एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, ओके, और वो क्या करता है, उसके पास बहुत पैसे है, अगर उसने बोला चलो हम पार्टी करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है चलो करते हैं। हमको पता है कि सामने वाला जो फ्रेंड है हमारे ऊपर खर्चा कर सकता है, वो मेरा फ्रेंड कौन सा फ्रेंड है, वो सॉल्वेंट फ्रेंड है, मतलब उसके पास असेट, प्रॉपर्टी अच्छी है, लाइबिलिटी उसके पास कम है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट पर्सन। या बोल सकते हैं सॉल्वेंट बिजनेस, जिसकी असेट अच्छी है और लाइबिलिटी कम है, तो ऐसे बिजनेस में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो सर इसका अपोजिट क्या होता है, इनसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, असेट कम है उसके पास और लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, मतलब कंगाल हो गया है वो बंदा। ऐसे बंदे ऐसे बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे क्या, नहीं, जिसका पहले से ही लगी पड़ी है, तो ऐसे बिजनेस में हम अपना पैसा खराब कर सकते हैं क्या इन्वेस्ट करके, नहीं। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा रोता रहता है, नहीं यार मेरे पास पैसा ही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। हमको पता है कि अगर उसको लेके गए तो उसका खर्चा भी हमको उठाना पड़ेगा, अगर उसने हमको बोला चल हम लोग पार्टी करते हैं, यस और नो, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं 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 चल हमको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोलोगे, आपको पता है कि सामने वाला इंस्टॉलमेंट है, अगर हमारे साथ गया तो हमको ही उसका बिल पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसी कंपनी भी होती है जिसका असेट कम होता है, लाइबिलिटी उधारी ज्यादा रहता है, ऐसे बिजनेस में हम लोगों ने और इन्वेस्ट किया तो हम खुद फंस जाएंगे, हमको भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा करके। ओके, तो आज जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया है, सबसे पहले क्या सिखाया, असेट, असेट के बाद आपको सिखाया बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स के बाद सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस, अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे 9987948540 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप
कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे कमेंट किए थे, लाइक किए थे, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।